उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भारतीय नौसेना के जवान तुषार चौधरी की ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जवान के पार्थिव शरीर को दो दिन बाद गांव में लाया गया। परिजनों के द्वारा जवान के पार्थिव शरीर के साथ सेना के जवान न आने से गुस्सा हो गए। वहीं परिजनों का कहना था कि उनका बेटा शहीद हुआ है, लेकिन सेना के अफसरों की ओर से परिजनों को फोन पर आत्महत्या करने का हवाला दिया गया, जहां तक कि सेना ने जवान के शरीर के साथ राजकीय सम्मान के लिए कोई सेना की टुकड़ी तक नहीं भेजी। बताया जाता है कि जवान तुषार केरल के कोच्चि में नौसेना बेस पर ड्यूटी पर तैनात थे। फिलहाल नौसेना और पुलिस दोनों ने ही अपनी जांच शुरू कर दी है। गांव जरेलिया, ये लड़का जो है 40 बीघा जमीन का इकलौता वारिस है, माँ बाप का इकलौता बेटा है। ये पैसे के लिए सरहद पे नहीं गया था, ये गया था सम्मान के लिए, और गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, सबसे बड़ी वजह यह है। और दूसरी बात, जब तक नहीं मिलेगा, जब तक वापसी नहीं है, बिल्कुल कोई भी कीमत नहीं। देखिए, हमारे क्षेत्र के बहुत ही नौजवान होनहार नेवी में थे, अभी पिछले साल ही उनका सिलेक्शन हुआ है, तुषार चौधरी, और परिवार में भी वो अकेले थे, अपने माता पिता के अकेले थी। बहुत निंदनीय है। वो जो है कोची में पोस्टेड थे, दो दिन पहले परिवार के पास सूचना आई कि ऐसे ऐसे बात है, आपका बेटा नहीं रहा है, ठीक है जी। और उन्होंने जो कहा है, जो परिवार के लोगों ने बताया कि सुसाइड किया है। परिवार का साफ साफ कहना और पूरे क्षेत्र के लोगों का साफ साफ कहना ये है कि वो इतना मतलब जो है होनहार था और इतना अंदर से मजबूत था कि वो सुसाइड नहीं कर सकता। तो एक तो परिवार की जो मांग है, मैं भी यहाँ इनके बीच में बैठा हूँ, जैसे मुझे सूचना मिली मैं भी आया हूँ। परिवार का और उस क्षेत्र का स्पष्ट कहना है कि वो ऐसा नहीं कर सकता।